दोस्तों, क्या आपका वोटर आईडी कार्ड है वो खो गया है, पुराना हो गया है, डैमेज हो गया है, और आप लोग चाहते हैं कि एक जो स्मार्ट वाला पीवीसी वोटर आईडी कार्ड है वो आपके घर तक बिल्कुल फ्री में पहुंच जाए? वो भी आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके एक मोबाइल के अंदर जो पूरा प्रोसेस है वो मैं बताऊँगा कि कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, मैं अपना जो स्क्रीन है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और बताता हूँ कि क्या प्रोसेस है उसको अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। आप अपने लैपटॉप है तो लैपटॉप के अंदर ओपन करेंगे, मोबाइल है तो मोबाइल के अंदर ओपन करेंगे, और यहाँ पे आपको टाइप करना है NVSP। सबसे पहले जो लिंक मिलेंगे उस लिंक पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे इस ऑफिशियल पेज पे आने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देंगे, वोटर पोर्टल बीटा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्टर करने के लिए क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और सेंड OTP पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएंगे, वो OTP आपको डालना है और यहाँ पे आपको वेरीफाई बटन पे क्लिक करना है। OTP वेरीफाई होने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैसेज आपको दिखाई देंगे। उसके बाद आपके सामने पासवर्ड क्रिएट करने के लिए ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर आपको जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं वो आप पासवर्ड डाल दीजिए। दो बार आपको पासवर्ड डालना है, सेम पासवर्ड दोनों में आपको रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा जो भी है इस तरह से अपडेट करना है, और यहाँ पर टिक मार्क करके आपको क्रिएट अकाउंट बटन पे क्लिक करना है। तो आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। उसके बाद आपको वेलकम पेज दिखाई देंगे। वेलकम पेज पर आपको वेलकम बटन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले जो है करेक्शन इन वोटर पर क्लिक करना है। करेक्शन एंड वोटर पे क्लिक करेंगे आप लोग तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन हो जाएंगे। यहाँ से हमें लेट स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। लेट स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन दिखाई देंगे। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नंबर नहीं है तो इस वाले पे आप लोग क्लिक करेंगे। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नंबर अवेलेबल है तो आप लोग जो दूसरा वाला ऑप्शन है यस आई हैव वोटर आईडी नंबर पर क्लिक करना है। फिलहाल मेरे पास वोटर आईडी नंबर है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपका जो वोटर आईडी कार्ड नंबर है वो डालना होगा। वोटर आईडी कार्ड नंबर डालने के बाद आपको फेस डिटेल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे आपके सामने आ जाएंगे वी हैव फाउंड रिकॉर्ड। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसेस बटन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं आपके सामने जो वोटर आईडी के अंदर डिटेल दिया गया है, नाम, एड्रेस वगैरह वो सब दिखाई देंगे। यहाँ से हमें सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू बटन पे आप लोग क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे। उसमें से आपको तीसरे नंबर पे जो है इश्यू रिप्लेसमेंट एपिक विदाउट करेक्शन, इस पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू बटन पे आप लोग क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से जो है दिखाई देंगे। यहाँ से हमें अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर डालेंगे उस पर एक OTP आता है, तो यहाँ पे आप लोग अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। सेंड OTP जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं मोबाइल नंबर पे OTP आएंगे, वो OTP आपको डाल देना है। तो फिलहाल मेरे पास जो OTP आया है वो मैं OTP यहाँ पे डाल देता हूँ। OTP डालने के बाद आपके सामने वेरीफाई का ऑप्शन रहेगा, तो यहाँ पर OTP मैंने डाल दिया। उसके बाद यहाँ से हमें वेरीफाई पर क्लिक करना है। वेरीफाई बटन पर जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो आपका जो मोबाइल नंबर दिया है वो वेरीफाई हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि किस वजह से आपको नया जो वोटर आईडी कार्ड है वो चाहिए। अगर आपका पुराना जो वोटर आईडी कार्ड है वो खो गया है तो आप लॉस्ट पे क्लिक करेंगे, और उसके लिए आपको FRI यहाँ पे अटैच करना रहेगा। अगर आपके पास वो FRI नहीं है तो आप लोग दूसरे वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे तीन अलग अलग ऑप्शन दिया गया है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ से हमें जो 20 वाला है डिस्ट्रॉयड, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास आधार कार्ड नंबर है तो इस वाले पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो आप इस वाले पे क्लिक करेंगे। फिलहाल मेरे पास आधार कार्ड नंबर है तो मैं यहाँ यस आई हैव आधार नंबर पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे जो अपना आधार कार्ड नंबर है वो डाल देता हूँ। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आप लोगों को रीज़न पूछा जाएंगे। तो यहाँ पर आपको जो अपना पुराना वोटर आई डी कार्ड है वो क्या रीज़न है, कहाँ पर गया है, खो गया है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है। डैमेज हो गया तो वो भी लिख देना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है माई वोटर आईडी कार्ड डैमेज। उसके बाद यहाँ पे हमें नीचे जो बटन दिया है सेव एंड कंटिन्यू बटन, उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने फॉर्म आ जाएंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इस फॉर्म को आपको एक बार देख लेना, उसके बाद सबमिट कर देना है। सब सही डिटेल है तो आप लोग सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके सामने रेफरेंस नंबर आ जाएंगे। रेफरेंस नंबर आप लोगों को जो है लिख के रखना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं
रेफरेंस नंबर इसको कहते हैं, इसको आप लोग लिख के भी रख सकते हैं, उसके बाद फ़ोटो भी खींच सकते हैं आप, उसको ट्रैक करने में काम आता है। तो अभी हम लोग समझते हैं इसको जो एप्लीकेशन है कैसे ट्रैक करेंगे। यहाँ होम बटन पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ जो एक ऑप्शन दिया गया है ट्रैक स्टेटस, उस पर हमें क्लिक करना है। यहाँ से आपको एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो अभी रेफरेंस नंबर हमने लिख के रखा था कॉपी कर दिया है मैंने, यहाँ पे देखेंगे और ट्रैक करेंगे। ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करते हैं तो जो भी स्टेटस है एप्लीकेशन का वो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देंगे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएंगे आपके एप्लीकेशन यहाँ से जो है ग्रीन कलर का हो जाएंगे। इस तरह से आप लोग घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं प्लास्टिक जो पीवीसी वाला है वोटर आईडी कार्ड मंगवाने के लिए। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया है कि किस तरह से हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं घर बैठे।